मैंने फर्स्ट टाइम व्हीलचेयर को देखा तो मैं बहुत रोई थी ऊपर, और मेरा यही होता था कि मतलब कि ये व्हीलचेयर तो बूढ़ों के लिए होती है ना। मैं कहती थी कि ये व्हीलचेयर मेरे लिए नहीं, बस मतलब टांगों से व्हीलचेयर तक का जो सफर है वो बहुत बहुत मुश्किल है। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं बयान कर सकूं। मैं आयशा नाज, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मैं 2018 से सिंध पुलिस में एज अ कांस्टेबल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ, और मैं 2020 तक बहुत अच्छी लाइफ में थी। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से एक हादसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को और मुझे ही बदल कर रख दिया। वो हादसा ये था कि मैं अपने घर से डेली अपनी ड्यूटी पर जाती थी, ड्यूटी पॉइंट पर, चूँकि मैं आपको बताया कि मैं सिंध पुलिस में जो है वो अपनी ड्यूटी से रही थी। तो एक दिन जो है वो 2020 में 1 जून को मैं अपने घर से ड्यूटी पॉइंट पर जा रही थी। मैं बाइक पर थी और रास्ते में एक वाटर टैंकर से हमारा बाइक का तसादुम हुआ, जिसमें मैं बिल्कुल वहीं पर गिर गई, और जो वाटर टैंकर था वो मेरी लेग्स पर से गुजरा और मेरी दोनों जो बॉथ लेग्स थी वो बिल्कुल क्रश हो गई। तो फौरी तौर पर जो है मुझे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया, और दोनों लेग्स के जो है वो ऑपरेट स्टार्ट हो गए, बहुत मेजर ऑपरेट से, जो कि पूरे दिन रात चलते रहे। सेकेंड डे जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं उस वक्त आईसीयू रूम में थी। फिर ये हुआ कि मेरी जो राइट वाली लेग थी उसकी वेंस बिल्कुल डैमेज हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि हम आपकी ये जो राइट लेग है इसको बचा नहीं सकेंगे, मतलब मेरी ज़िंदगी को सेव करने के लिए ज़रूरी था कि मेरी राइट वाली लेग को एम्प्यूट करना पड़े। फिर ये हुआ कि मेरी एक्सीडेंट के 5-6 दिन मेरी जो फर्स्ट लेग थी उसकी एम्पूटेशन हुई। ये हुआ कि मेरी जो लेफ्ट वाली जो लेग थी वो आफ्टर 1.5 मंथ एम्पूट हो गई। फिर ये हुआ कि मतलब मेरी दोनों लेग्स एम्पूटेशन हो गई अबव नी। मैं बिल्कुल एक सडन शॉक था, मैं बिल्कुल ट्रॉमा में चली गई थी। तब लाइफ मैं यूँ समझती थी कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। जब मैं अपनी लेग्स को देखती थी तो मेरा यही होता था कि मैं ज़िंदा क्यों रह गई। तक मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, उसके बाद भी बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, सब दोस्त अहबाब बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। और मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं मुल्क को कौम के लिए काम करना चाहती थी। तो मैंने अपने लिए जो है सिंध पुलिस को बहुत बेस्ट चॉइस किया कि मैं अपने घर के करीब रहकर अपने कौम, अपने वतन के लिए कुछ कर सकूँगी। तो मैंने, मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं सिंध पुलिस को सेलेक्ट करूँ, और फिर ऐसा ही हुआ, मैंने सिंध पुलिस सेलेक्ट किया। मेरे टेस्ट और मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मतलब मेरा एक बेबी है जो अब 7 ईयर्स का है। मतलब उनके साथ साथ वो मेरी लाइफ में थे और लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, उनके साथ साथ ये सारी चीज़ों को मैं लेकर चल रही थी। फिर जो है वो सिंध पुलिस का तो मैं हिस्सा बन ही गई 2018 में। घर में मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा था, और मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा जो बेटा है उस वक्त वो 5 ईयर्स के थे, अब 7 के हो जाएंगे, उस वक्त वो 5 ईयर्स के कंप्लीट थे। तो मतलब वो बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझते थे। मैं जब मतलब मैं ड्यूटी पर जब डेली जाया करती थी तो वो मेरे साथ बाहर आ जाते थे ना, और मुझे बस स्टॉप तक छोड़ते, और हम खड़े हो जाते शॉप पे, मैं उनको चीज़ें दिलाती और मैं कहती हूँ बेटा आप घर की तरफ चलें और मैं जा रही हूँ। तो मतलब वो डेली मुझे सी ऑफ करने के लिए ना बस स्टॉप तक आते थे, और फिर वहाँ से बस स्टॉप से घर चले जाते थे। फिर अचानक से ये जब सब हुआ, जब मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई, तो मतलब मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है, वो मुझे हिम्मत देता है। मैं अक्सर मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ अभी भी, मैं कहती हूँ कि आपको वो पहले वाली मम्मा अच्छी लगती हैं या अब वाली, तो कहते हैं नहीं मुझे अब वाली मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हालांकि वो जानते हैं कि मेरी टांगे नहीं हैं, लेकिन वो मेरा दिल ही छोटा करते,
वो कहते हैं नहीं मम्मा मुझे अब वाली मम्मा अच्छी लगती हैं। तो मतलब बहुत ब्रेव है मेरा बेटा, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे का फ्यूचर इतना सिक्योर करूँ कि उनको कभी ये फील ना हो कि वो एक सिंगल मदर के जो है ना बेटे हैं। फिर मैंने फर्स्टली ये सोचा कि मैं पहले बैचलर कर चुकी थी, तो मैंने फर्स्टली ये सोचा कि मुझे अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। एक साल का तो ये मतलब ऐसा पीरियड था कि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे साल जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने मुझे ऐसा लगता था कि मैंने रीबर्थ लिया है। रीबर्थ मतलब मैं अब भी चाहती हूँ कि मैं अपनी मतलब लोग जो हैं वो एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दूसरी बर्थडे भी सेलिब्रेट करूँ कि वो तो मेरा रीबर्थ है, असल जो ज़िंदगी है वो अब स्टार्ट हुई है। पहले तो कभी हकीकत को ही नहीं पता था, ज़िंदगी को देखा ही नहीं था, अब लाइफ स्टार्ट हुई है कि अब मुझे पता चलता है कि इंसान को कितनी ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो मैं लास्ट में जो है मैसेज है वो मैं ये देना चाहूँगी कि देखें आपको सबसे पहले जो है ना वो ख़ुद को ख़ुद एक्सेप्ट करना होता है। जब आप अपने आप को अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर जो आप जो आपके जो माशरे में जो लोग होते हैं वो आपको खुद ब खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। फर्स्टली जो आपकी एक्सेप्टनेस है ना वो आपके अपने अंदर से शुरू होती है। अपने लाइफ में आने वाली रुकावटों को कभी भी जो है वो खुद पर हावी ना करें, उनके लिए खुद को प्रिपेयर करें कि हमने इनके साथ कैसे ज़िंदगी को सर्वाइव करना।